ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? तीन। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर राठौड़ आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहता हूं कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। पर ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरताओं को काल्पनिक होमोसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तो बगल वाले 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर पड़ता है। इसे कहते हैं सामूहिक निषेध, कोलैटरल डैमेज। मतलब ये रिपोर्ट्स सब बकवास? ये वो लोग जाने जिन्हें एसी, कुर्सी और टेबल की आवाज से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। इट्स फैंटास्टिक स्पिरिट्स। कैप्टन राठौड़ के गायब होने से और उनके लाश के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावना है। पर विजन पे मैंने पीएचडी नहीं की है। दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीछे सरकार के प्रश्न खत्म हो गए तो मैं जा सकता हूं? और क्या पूछोगे मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? व्हाई नॉट, जानना जरूरी है। चश्मे दूर का हो या पास का, कभी कभी रियलिटी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे तो लेट्स प्ले अगेन। Let's play a memory game. With your permission, sir. मेरी याददाश्त भी बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। Excellent. आप कमीशन कब बने? 16 दिसंबर 1971। फर्स्ट मेडल 6 महीने बाद। वीर चक्र 72, 16 जुलाई। फर्स्ट कार मीटल 78। पहला गोल्फ टूर्नामेंट 79। इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं दो आए। 88, 92। रनवे मेंटल ब्लॉक याद आ जाएगा। दिसंबर 1993। कम ऑन ब्रिगेडियर, आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज दिस गेम, सो आई विल गिव यू दिस वन लास्ट क्लू। 9 दिसंबर 1993 के शाम 4:25 एक औरा ने वेदर रिपोर्ट बताया था। उसके बाद धूप निकल आई। कुछ याद आया? D-52 मयूर विहार, 9 दिसंबर 1993 के शाम 4:25। उस दिन क्या हुआ था? ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, जो कुछ भी हुआ था एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में है, पढ़ लेना। ACR या HC? सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D-52 फ्लैट नंबर 4:25 पे दो औरतों और एक बच्ची को बेरहमी से मारा गया था। फिर उनके घर को भी जला दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस राघना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, योर मॉम। तानवीर प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर,
इस एसीआर में पूरा डॉक्यूमेंटेड है। इट्स सो बैड, नॉट ओनली बैड, इट्स सो क्रूएल। कैसे हुआ ये सब? कुछ पहनी हुई चीज से, चाकू से, किचन नाइफ से? 35 बार मरने के पहले आपकी बेटी को रेप किया गया था। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घूट घूट के। सारे डिटेल्स इस रिपोर्ट में है, पर एक नाम इस रिपोर्ट में नहीं है। बाबू के नाम से बुलाते थे उसे। 10 साल का था जब आपके पास आया अनाथालय से। घर का सबसे अच्छा नौकर था। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया, आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील नाम है ना उसका, कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो, बट व्हाट आई डोंट नो इज उसका नाम इस एसीआर की रिपोर्ट में क्यों नहीं है। और ब्रिगेडियर प्रताप इज स्केयर्ड ऑफ समथिंग? कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप के फितरत में नहीं है। सो आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन। मेजर, तुम उतना ही जानो जितना तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं, झेल नहीं पाओगे। और तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है पूरी सच को जानने के लिए। यह तुम्हारा सच है। सच यह है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में बैठे हो। मुझमें भले उतनी ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास मत करो, यह तुम्हारी इस नाइस की तरह कन्वीनियंस। सच यह है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच यह है कि मेरे ट्रिगर में उंगली है इसलिए तुम खुले हवा में सांस लेते हो। सच यह है कि 7,000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धि जीवन की तरह बात करने की, संवेदनशील होती है डिस्को जाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच यह है कि सुबह उठते ही तुम्हें और इस देश के सभी लोगों को सड़कें और नाले सब साफ चाहिए। जरा उनसे पूछिए इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं, हमारे। यह सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा और उन सबका सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नजीर, फातिमा, इन सब में आपको जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन से बॉर्डर के उस पार नहीं होते, घर पे भी होते हैं, गुण और दीमक बन के जीते हैं। वीर भोगी वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारा जिम्मेदार है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाओ, वरना रोज एक नहीं मेजर, 100 जमील खड़े होंगे। 13 साल से आप जमील को ढूंढ रहे हो, आपने देखा जावेद खान, जमील, बोलिए, दिखाया ना? तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है, वो इसके अंदर है, इस जावेद के बहुत अंदर है, इसके नसों में है, इसके इसके खून में कौम सनी हो गई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इसके कौम में पूरा जहर भरा हुआ है, जहर। इसका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, 1,000 रथोड़ मारे जाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होगा। यह मेरा, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, यह पूरी कायनात की बात है। और जो तुम्हारा सिर नीचे मिट्टी में घिसा के रखो ना शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो, देखो
विनय का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। तो दुश्मन कौन है? पूरी कौम? हर तारीख पर इसकी मौसमी मजम, इसकी आतंक की मोहर लगी हुई है। और मुझे तारीख साफ करना अच्छे से आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूटेड साइड कमांडर हाथ में AK-47 लेके घूमते हैं। इनोसेंट 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है वो, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले है। और जो तुम्हें इनोसेंट लगते हैं ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना मेजर, तुम्हारे औकात नहीं है। मैं चाहो तो पूरी साइकोड रातों की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा भी, इसे खत्म कर दूंगा मैं, एक एक दिमाग निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग ना लगे, एक और तनु का रेप ना हो। ठीक रही थी वो सुबह शाम दिन रात, उसकी चीख सुनाई देती है मुझे, इसलिए मैंने राठौर से कहा मार दो, गोली मार दो सालों को, बूढ़े बच्चे जो है सबको मार दो, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के साइकोडारों को खा जाएंगे लोग। अगर करना है तो पूरी कौम की सफाई करो, दैट्स व्हाट वी वांट, ब्लडी डेमोक्रेसी, ब्लडी ब्लडी डेमोक्रेसी। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर, नाउ द डिफेंस रेस्ट इट्स केस। हो गया, मैं और वक्त जाया नहीं कर सकता हूं, सो थैंक यू जेंटलमैन, इट्स बीन अ प्लेजर। हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।